ये जितने धनवान तुम्हें दिखाई पड़ते हैं, जिनमें धर्म की कोई नीति नहीं है, जो विज्ञता नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, विवेक नहीं है, गुरु गमन नहीं है उनके जीवन में, ये राम की बातें करेंगे। और राम के लिए लिखा हुआ है, राम के जो पिताजी हैं उनके जीवन में जब पहली बार समस्या आती है, आईने में अपने बाल इत्यादि को देख लेते हैं, तो उनका पहला कदम कहां पड़ता है? एक बार भूपति मन माही भयव गलानी मोरे सुत नाही, तब गुरु गृह गया वो तुरत मही पाला। जब दशरथ जी के ऊपर समस्या आई, तकलीफ आया, प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, अब मैं कहां जाऊं, न फूफा के पास गए, न चाचा के पास गए, न दादा के पास गए, न मंत्री के पास गए, न संतरी के पास गए, गुरु गृह गया वो तुरत मही पाला। दसों इंद्रियों के ऊपर जिनके लगाम लगे हुए हैं, उनके जीवन में भी जब समस्या आती है, तो इसके उसके माय फास्ट फ्रेंड, हम तो अपने फास्ट फ्रेंड के पास जाएंगे, फास्ट फूड बना के खा जाएगा तुमको। महाराज, जीवन में जब कोई समस्या, जीवन में कोई प्रश्न उठता है, तो हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, पहले गुरु के द्वार जाते हैं। गुरु द्वार से जाकर उसका सॉल्यूशन मिलता है, उसका हल मिलता है। पर हमारे तो मामला ये विक्षिप्त हो गया है। भगवान गुरु के पास जा रहे हैं विद्या पाने के लिए, तुम्हारे संतान फास्ट फ्रेंड के पास जा रहे हैं। भगवान के पिताजी भी, जो पिताजी बन के आए हैं, जिनको पिताजी चुना है भगवान ने, उनके जीवन में भी जब कोई समस्या, कोई प्रश्न आ रहा है, तो गुरु गृह जा रहे हैं। चरण लागी करी विनय विशाला, चरणों में गिर के विनय सहित उनके सामने अपना आग्रह रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी के पास गए और गुरुजी हां इधर आ, ओम ऐंग ह्रीं क्रूं क्लूं फट ले जा, नहीं किया। अच्छा इधर आओ, हाँ ठीक है। श्रृंग ऋषि को जानते हो? उनको निमंत्रण दो जी गुरुदेव, यज्ञ करवाओ गुरुदेव, प्रसाद आएगा, उसका वितरण यथा योग्य भाग में कर देना। गुरुदेव ने आते के साथ कोई चमत्कार नहीं किया, कहा कर्म करो, जो मैं कह रहा हूं वो आयोजन और अनुष्ठान करो अकॉर्डिंग टू मी। दशरथ जी कहीं और भी जा सकते थे कि कोई ऐसा यज्ञ करो कि हमें बेटा हो जाए, पर दशरथ जी यज्ञ भी करेंगे अपने गुरु के अनुरूप, गुरु आज्ञा के अनुसार। भगवान राम के ऊपर भारतीय सनातन संस्कृति की बातें चल रही है, सभी राम की बातें कर रहे हैं, तो इस मर्म को भी जानना बहुत जरूरी है, छोटे छोटे मर्म को। उस परिवार की यह नीति है, उस वंश की यह नीति है कि गुरु वहां सदा सर्वोपरि रहे। गुरु का अर्थ है ज्ञान, अंधकार से प्रकाश, और सदगुरु लग जाता है तो यह निश्चित हो गया कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम कृष्ण से ही जोड़ने वाले की बात चल रही है। एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्रता का अर्थ होता है एक को अग्र करके चलना। हमारे जीवन में एक अग्र है, एकाग्र। और आजकल कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारा मन एकाग्र नहीं होता। और बताओ आगे, हमारी एक स्कूल में कॉलेज में पढ़ती है, उसके साथ मेरा मन लग गया है, और आगे कुछ बताओ। हमारा मन होता है कि हम अच्छा सा घर द्वार बना करके उसी के साथ जीवन जिए, और कुछ बताओ। हमारा एक फास्ट फ्रेंड है, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। अबे तू एकाग्र होगा? तू पंचाग्र है? 5-7 लक्ष्य हैं इसके, और कह रहा है एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता का अर्थ जो मैंने आपको बताया था, जब तक मैं पढ़ा
मैकॉले की शिक्षा, तब तक मुझसे जब कोई पूछता था व्हाट्स योर फेवरेट गेम, मैं कहता था स्टडी इज माय फेवरेट गेम। मैं स्टडी को ही गेम बना के जब तक पढ़ा तो उसको खेल बना के पढ़ा।